हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आप ही के चैनल में। दोस्तों आज मैं आपको एलईडी बल्ब ऐसा रिपेयरिंग करके दिखाएंगे, जो भी बिल्कुल ये ब्लैंक पड़ा हुआ है जो आप देख रहे हो। तो आप जो भी अगर एलईडी बल्ब का बिजनेस कर रहा हो या मैन्युफैक्चरिंग, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, ये घबराए ना बिल्कुल भी। मैं आपको इसको रिपेयरिंग करके दिखाता हूँ कि इसकी रिपेयरिंग कैसे, उसमें क्या कमी हो सकती है, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले हमको इसका जो डिफ्यूज़र निकाल लेना है दोस्तों, मैं आपको डिफ्यूज़र निकाल के बताता हूँ डिफ्यूज़र किस तरीके से निकलता है। ये डिफ्यूज़र ओपन हो चुका है, अभी आप देख रहे हो, अभी देख सकते हो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा ये काला काला आ रहा है। तो मैं आपको एक बार आपको सीरेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि सीरेज से क्या होता है, कोई भी लाइन अगर शॉर्ट होती है तो आपको कहीं दिक्कत आने वाली बात नहीं है, क्योंकि वो सीरेज उसको एडजस्ट कर लेती है। दोस्तों ये आपको दिखा देता हूँ मैं, सबसे पहले मैं आपको ऐसे को सप्लाई चेक कर लेता हूँ कि इसमें दिक्कत क्या है, यहाँ तक पावर आ रहा है या नहीं आ रहा है। दोस्तों यहाँ पावर तो आ रहा है, पर इसको देखना पड़ेगा, लगता तो नहीं है इसकी MCPC ख़राब हो, फिर भी चेक कर लेते हैं। ये बारी बारी से चेक कर लेंगे, दोस्तों इसकी MCPC बिल्कुल भी ख़राब नहीं है, पर ये LED बल्ब अंदर से ख़राब है। चलो इसको ओपन कर लेते हैं, किस तरीके से ओपन होगा। दोस्तों इसका ये B22 कैप है, ये सोल्डर के मदद से इसे रिमूव कर लेते हैं। दोस्तों ये रिमूव कर लिया है हमने, अभी इसको हम निकाल लेते हैं अंदर से वायर इसकी, देख रहे हो ये अंदर से पूरा ब्लैक पड़ा हुआ है। अभी इसको खोल के देखना पड़ेगा इसमें क्या दिक्कत है, ये हमको पूरा जला हुआ लग रहा है। दोस्तों आप इसको देख सकते हो, ये पूरा जला हुआ सर्किट है। अभी इसको आपको मैं रिपेयरिंग करके दिखाऊंगा कि ये आपको 100% इसको चालू करेंगे, पर दोस्तों तो आपको वीडियो पूरा देखना होगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये कैसे चालू हुआ था। दोस्तों चलिए मैं आपको एक एक इसके कंपोनेंट जो जले हुए हैं उसको निकाल देते हैं। अभी इसको सोल्डर की मदद से इसे सारे जले हुए पार्ट्स हैं उनको निकाल लेते हैं। इसका ये मैंने फ्यूज निकाल दिया है, अब बारी है इसकी PF जो इसमें होता है उसे भी निकाल देते हैं। ये आप देख पा रहे हैं PF भी बिल्कुल ख़त्म है, राख हो चुका है, इसे भी निकाल लेंगे। दोस्तों वीडियो को पूरा देखना है आपको, और दोस्तों एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आप लोगों ने हमारे चैनल पर नए हो तो ताको आपकी को ऐसी ही वीडियो मिलती रहे, मैं ऐसी ऐसी जानकारी देता रहता हूँ। दोस्तों इसका ये PF भी रिमूव हो चुका है, अभी ये हमारा PF हमको देखना पड़ेगा ये काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो दोस्तों पहले मैं आपको चेक करना बता देता हूँ कि ये PF ख़राब होगा तो इसमें क्या दिक्कत आएगी, और नहीं ख़राब होगा तो क्या दिक्कत आएगी। सबसे पहले हमको ये हमने एक चिमटी बना के रखी है सीरेज में, तो दोस्तों इसे सावधानी से बनाना होगा अगर आप बनाओ तो। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ चेक करके दिखा देता हूँ। दोस्तों हमारा ये PF तो एकदम ओके रखा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और दोस्तों हमारा ये LED चालू हो चुका है, मगर इसमें जो MOV इसकी जो रेडी रखी है, और इसमें PF हमको
डालना पड़ेगा और दूसरा फ्यूज भी डालना पड़ेगा। दोस्तों देख लेते हैं, हमारे पास जो पुराने पड़े हैं उन्हें हम लगा देंगे कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके। अगर आपके यहाँ नए मिलते हो तो आप नया भी लगा सकते हो। दोस्तों हमने पुराना पीएफ निकाल लिया है दूसरी सर्किट से और इसे यहाँ पर लगा देते हैं। दोस्तों हमारे पीएफ लग के रेडी हो चुका है। अभी इसमें हमको ज़रूरत पड़ेगी एक फ्यूज की। यहाँ फ्यूज भी ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। दोस्तों हमारा एलईडी बल्ब जो है रेडी हो चुका है। मैं आपको एक बार चेक करके दिखा देता हूँ। मैं आपको सीरीज में चेक करके दिखा देता हूँ। दोस्तों एकदम ये रेडी हो चुका है। अभी इसको फिटिंग कर लेंगे। ये आप देख रहे हो, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है और बहुत ही आसानी से ये रिपेयरिंग हो जाता है। अगर आप सीखना चाहते हो आप सीख भी सकते हो। कहीं पे आपको अगर दिक्कत आती है तो आप मुझे, मैं आपको नंबर दे दूँगा, उसमें आप बता सकते हो तो मैं आपको उसमें पूरी जानकारी दे दूँगा। तो आप ये हाउसिंग है आप इसको देख पा रहे हो, इसमें ये दो खांचे हैं, इसमें एक खांचे के बीच में इसको अच्छी तरीके से बैठा लेना है। इसमें इसलिए बैठाया जाता है ताकि आपकी जो सर्किट है शॉर्ट ना हो जाए, क्यों इसमें जो अंदर हीट सिंक लगी होती है सिल्वर की, तो उससे क्या होता है कि शॉर्ट होने की दिक्कत आती है। मैं आपको इसमें फिटिंग करके दिखा देता हूँ। ये फिटिंग हो चुकी है। अभी इसमें ये जो हमारा B22 कैप है ये लगाने बाकी रह गया है, इसको मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। इसमें यहाँ पर चिमटी की मदद से इसमें एक होल कर लिया है हमने। अगर आपके पास चिमटी हो तो ठीक है, नहीं तो किसी सूच वगैरह से भी आप कर सकते हो। ये मैंने, आप देख पा रहे हो, बढ़िया अच्छे तरीके से होल हो चुके हैं ये।
अब इसमें आराम से इसे फंसा देंगे। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात ये आती है कि B22 कैप का पीछे वाला हिस्सा ही बनाने में, पर ये बिल्कुल सादा सिंपल है। आप जब इसको बनाओगे तो आप बहुत जल्दी सीख जाओगे, आप कोई ख़ास दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका ये एक्स्ट्रा वायर है, मैं उसे निकाल लेता हूँ। दोस्तों कितने शानदार तरीके से ये बन चुका है। अगर दोस्तों अगर आप बिजनेस भी करना चाहते हैं तो हम यहाँ से अपना होलसेल के लिए माल भी देते हैं हम यहाँ से अपने यहाँ से, और रिपेयरिंग का भी कार्य करना चाहते हो तो भी हम आपको किट वगैरह दिलवा देंगे। दोस्तों आप देख रहे हो बहुत ही अच्छे तरीके से जल रहा है ये UV LED बल्ब है, ये वो जला हुआ था बिल्कुल। ठीक है दोस्तों, एकदम अच्छे से काम करने लगा। दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर कमेंट में ज़रूर बताएं, और दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो थोड़ा दोस्तों में और भी शेयर करें, ताकि अगर कोई बिजनेस हो या रिपेयरिंग का काम सीखना चाहें तो वो भी सीख सकते हैं, और बिजनेस करना चाहें वो भी कर सकते हैं हमसे जुड़ के। ठीक है, आज का वीडियो इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।